और अब वी लेट्स कट बैक टू द मोटेरा स्टेडियम वेयर द इनॉग्रेशन सेरेमनी इज गोइंग ऑन और जितने भी आज यहाँ पधारे हुए खेल प्रेमी भाइयों और बहनों आज सिर्फ खेल जगत के लिए ही नहीं सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए गौरव का दिन है हमने बचपन से सुनते थे कभी देखते थे भी थे हम लोग सपना देखते थे कि हमारा देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कब बनेगा और आज इस देश का खेल मंत्री होने के नाते भी और एक खेल प्रेमी होने के नाते पूरे देश के साथ गौरव के साथ अहमदाबाद में यहाँ मोटेरा में हम आए हैं तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे बीच में खड़ा है जब देश का नेतृत्व दूरदृष्टि इच्छा शक, दिर्ण शक्ति दृढ़ शक्ति दृढ़ इच्छा जिसका पास हो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री जब देश को गाइड करके आगे ले जा रहे हैं तो ऐसा काम मुमकिन होता है और किस तरीके से इस स्टेडियम को कंस्ट्रक्शन किया एग्जीक्यूट किया कल हमने जय शाह भाई ने हमको पूरा स्टेडियम दिखाया मैंने बारीकी से एक एक चीज देखा ये क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे आधुनिक में से भी एक है सारा फैसिलिटीज जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था किया है वो हर किसी प्लेयर हर कोई खेल प्रेमी जब यहाँ आएंगे तो उसको पता चलेगा कि ये फर्स्ट सेंचुरी का सबसे मॉडर्न स्टेडियम में से भी एक है आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से इसको संचालन किया, किया एग्जीक्यूट और रिकॉर्ड रिकॉर्ड टाइम टाइम में में सारे साल इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना और जो टीम जिस लगन के साथ पूरे लगे हुए हैं पूरा टीम को मैं बधाई देता हूं कि आपने सिर्फ गुजरात के लिए नहीं अहमदाबाद के लिए नहीं हमारा देश का हमारा सर को आपने ऊंचा किया है इतना बड़ा स्टेडियम बना करके आपने देश को बड़ा तोहफा दिया है आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उनका इच्छा है कि दुनिया में भारत खेल के क्षेत्र में आगे कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारे पास खेलो इंडिया और दूसरे तरफ फिट इंडिया का एक पैरल अभियान चला रहे हैं खेलो इंडिया जिसके तहत हम खेल के दुनिया में स्पोर्ट्स इन एक्सीलेंस कंपटीशन में ओलंपिक्स में एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन कैसा अच्छा हो इसके लिए व्यापक रूप से कार्यक्रम चला रहे हैं दूसरे तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर भारतीय को फिट कैसा होना चाहिए मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कैसे हम फिट रहे उसके लिए फिट इंडिया अभियान इस वक्त चला रहे हैं और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक दो लाख बीस हजार भारत के स्कूल्स ने फिट इंडिया मूवमेंट में ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और साथ साथ में देश भर में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी संस्था हो चाहे वो इंडिविजुअल हो गांव शहर गली हर जगह फिट इंडिया मूवमेंट का जो माहौल है पूरा बनाया हुआ है और यहाँ अहमदाबाद में तो मैं पिछली बार आए थे तो मैंने देखा गुजरात के सरकार ने खेल के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत करने के लिए बहुत सारा कदम उठाया हुआ है और इसी का नतीजा है कि अभी हमारा डिप्यूटी सीएम साहब बता रहे थे कि गुजरात का स्तर किस तरह से आगे बढ़ रहा है अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं अब गुजरात टॉप फाइव में है आज का दिन में पहले जैसे नहीं है गुजरात वन टू थ्री फोर फाइव में अभी खड़ा है तो गुजरात हमारे लिए एक लीडिंग फोर्स बन गए हैं और जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी का कल्पना है उनका सोच है मैंने उनसे बातचीत किया और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि भारत देश में अहमदाबाद एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जिसको हम वास्तविकतम एक सिटी कह सकते हैं इसको खेल का शहर हम कह सकते हैं ऐसा उसका कल्पना है और आने वाले निकट भविष्य में कई परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं आपके बीच हम आते रहूंगा और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी का सपना को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के देश के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला करके हम आगे बढ़ते रहेंगे आज महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ इस भव्य समारोह में आपके साथ में आने का मुझे मौका मिला मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और गुजरात सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको भी इस ऐतिहासिक पल में आपके साथ में राष्ट्रपति जी हमारे गृह मंत्री जी और तमाम हमारे जितने हस्तियाँ आज मौजूद हैं All right, uh, that was the sports minister there talking about the Motera Stadium, the fact that it was built in record time, uh, and uh, uh, the, the fact that uh, how it is a proud moment for India that the world's biggest stadium is now in India. On that note, it's time to wrap up this edition. Uh, here's a quick reminder that you can follow us on our website, mirrornownews.com and also uh, follow us on our social media handles.